फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को, जितना भी मेरा दर्शक है और जितना भी मेरा स्टूडेंट है, सबको स्वागत। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि चलती हुई ट्रेन में जब ब्रेक लगते हैं, उसके बाद में ब्रेक नहीं छूटते हैं, तो एलएचबी कोच के ऊपर में ब्रेक बेंडिंग, मतलब ब्रेक लगने पर और छूटते नहीं है, तो नहीं छूटने से गाड़ी में ब्रेक बर्निंग होता है। और उस ब्रेक बर्निंग के ऊपर में मैं आज आप लोगों को चैप्टर में सिखाएंगे कि ब्रेक बर्निंग क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, और ब्रेक बर्निंग होने से आप एक एलएचबी कोच में क्या करेंगे, किस तरीका से आप ब्रेक बर्निंग छुड़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सामने में कोई गाड़ी होगा, एलएचबी कोच खड़ा होगा, उसके ऊपर में जाके आप लोगों को ब्रेक बर्निंग का चैप्टर एलएचबी कोच के ऊपर में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आ गया है एक कोच के ऊपर में। आप देख सकते हैं एक एलएचबी के रेक का साथ में मैं खड़ा हूं, और इसमें ब्रेक बर्निंग किस तरीका से होता है उनके ऊपर में मैं आज एक्सप्लेन। तो मान एलएचबी जो कोच है, इस कोच के साथ में, मतलब इस ट्रेन के साथ में WAP-7, मतलब आप देख सकते हैं ये WAP-7, ये जो लोकोमोटिव है, इनके साथ में आपको पुल करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि इस एलएचबी कोच एपी पाइप बिना चलते नहीं है, मतलब बीपी प्रेशर से तो ज़रूरत ही है और एपी प्रेशर भी ज़रूरत होते हैं, मतलब बीपी और एपी दोनों प्रेशर इस गाड़ी में मेरा होना चाहिए। तो इसीलिए ये थ्री फेस लोकोमोटिव जो कि WAP-7 इसमें लगा रहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन का साथ में हाई स्पीड आपका लोकोमोटिव। अभी मैं आप लोगों को बताते हैं कि ब्रेक बेंडिंग क्या होते हैं। ब्रेक बेंडिंग का मतलब होता है कि ये जो लोकोमोटिव में प्रेशर रेडी होने के बाद में आपका ये A9 जो आपका वाल्व है वो रिलीज कंडीशन में होने पर, अगर उस दौरान आपके ट्रेन में कोई कोच में, या तो एक कोच या दो कोच में आपका ब्रेक लगा रहता है, मतलब ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं, ये इंडिकेटर ग्रीन नहीं है, रेड है, या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है, तो इसी को, मतलब गाड़ी मेरा रिलीज कंडीशन में है लेकिन फिर भी मेरा गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है, ये होता है ब्रेक बर्निंग। मतलब गाड़ी रिलीज कंडीशन में मेरा इंडिकेटर रेड रहेंगे एलएचबी कोच में, और उनके जो ब्रेक जो पैड है, इसमें तो डिस्क का साथ में रहता है, ब्रेक डिस्क का साथ में मेरा ब्रेक पैड का कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होने पर ये ब्रेक बर्निंग होता है। ब्रेक बर्निंग होने से आपको किस तरीके से सिम्टम होता है इसके बाद में मैं दिखाते हैं। अब ये ब्रेक बेंडिंग का कारण क्या हो सकता है? ब्रेक बेंडिंग का कारण लोकोमोटिव से हो सकता है, क्योंकि लोकोमोटिव में जब एक ब्रेक एप्लीकेशन होता है और उसको रिलीजिंग टाइम नहीं दिया जाता है और गाड़ी को और एक्सीलेट कर देता है, तो उस दौरान कोई गाड़ी आपका कोई कोच रिलीज टाइम नहीं मिलने पर वो ब्रेक बेंडिंग होता है। दूसरा जो एक रीजन होता है, गाड़ी कहीं खड़ा था और गाड़ी आके आपका इंजन अटैचमेंट हो गया, इसके बाद में मेरा जो SLR था, ये SLR में जब पार्किंग ब्रेक लगा हुआ था और उसको गलती से ऑपरेटिंग स्टाफ या तो हमारा CNW स्टाफ उनको रिलीज नहीं कर पाया या तो भूल गया होगा, इसके कारण गाड़ी इसके बाद में रनिंग हो गया, तो उसमें ब्रेक बर्निंग हो सकता है। तीसरा रीजन जो होता है, जैसे कि मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कारण से होता है, जिसके कि कारण कि गाड़ी ठीक से रिलीज नहीं हो पाया, या तो मैकेनिकल जो मेरा पार्ट्स है, ये पार्ट्स के फेल्योर के चलते ये ब्रेक बर्निंग हो सकते हैं। मैं चलते हुए ट्रेन में ब्रेक बर्निंग हुआ, आपको किस तरीके से पता चलेगा कि चलती हुई गाड़ी में ब्रेक बर्निंग हुआ? तो चलिए देखिए, पहला नंबर आपका ब्रेक बर्निंग होने से आपका चलती हुई ट्रेन में कोई आपका हर में DB पैनल बोर्ड है, बगल में देखिए ये ब्रेक के इंडिकेटर होते हैं। अगर ब्रेक बर्निंग जिस गाड़ी में होगा, ये दो या एक आपका इंडिकेटर आपको रेड रहेंगे, दो होने से आपका दोनों ट्रॉली में आपका ब्रेक बर्निंग हुआ एक कोच में, अगर सिंगल है, अगर इस तरफ का होता है तो मतलब इस ट्रॉली में ब्रेक बर्निंग हुआ, अगर इस तरफ का रेड होता है तो इस ट्रॉली में ब्रेक बर्निंग। स्टाफ है
अभी आपको ब्रेक बर्निंग अटेंड करना है, आपको पहला आके ये सिम्टम देखना है, देखने के बाद में जिस ट्रॉली में कम होगा या डबल ट्रॉली में कम होगा तो ये क्या करना है, आपको आपका ब्रेक पैड जो है डिस है, ये डिस को मार्क करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस अगर ब्रेक बर्निंग हुआ होगा ये डिस रेडिस हो जाएगा और इसमें स्मेल होगा और इसमें हीट पैदा होगा। एक बात बताना जरूरी है कि ब्रेक बर्निंग के साथ में मेरा ये जो फेल्यूर इंडिकेशन, मतलब एयर बेलो रहने से ये फेल्यूर इंडिकेशन का जो आपका इंडिकेटर है, इसके साथ में मेरा रेड और ग्रीन का साथ में कोई ताल्लुकत नहीं है। ये फेल्यूर इंडिकेशन तभी रेड होता है जबकि एयर बेलो साइड में कोई एपी प्रेशर का डिफरेंशियल से आपका गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। अभी आप डिस का मार्क कर लिए है, ऑब्जर्व कर लिए कि डिस में कुछ है, तो इसके बाद में आप इधर तो देखे होंगे कि रेड है, डबल ट्रॉली सिंगल ट्रॉली ऑपरेशन में आपको पहला क्या काम करना होगा कि आपको इधर मैनुअल रिलीज करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और उस दौरान आपका प्रेशर देख लेना पड़ेगा कि इंजन में आपका 5 किलो है कि नहीं है, 6 किलो आपका एपी प्रेशर है कि नहीं है, EMR ठीक है कि नहीं। तो आपको ये जो क्विक रिलीज ये है, ये हैंडल है, इसको आपको टान कर इसको रिलीज करने का कोशिश करना पड़ेगा। क्विक रिलीज हैंडल को आप जब टानते हैं, इसके बाद में आपको 15 सेकेंड तक आपको खड़ा होना पड़ेगा कि ये रेड से ग्रीन हो रहा कि नहीं। अगर हो गया तो आपको जिस ट्रॉली में ब्रेक बेंडिंग हुआ उस ट्रॉली में जाना पड़ेगा और उसके जो डिस है वो डिस के साथ में जो ब्रेक पैड है, कैलिपर है, उसको हिला कर देखना पड़ेगा फ्री है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनके लिए इस ब्रेक कैलिपर में एक नट होता है, ये 27 mm के नट से उसको लूज करना पड़ता है। क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये लूज होता है, एंटी क्लॉक में टाइट होता है। तो चलिए, एक नंबर पॉइंट, आप गाड़ी को रिलीज कर दिया आप और देख लिया, अब गाड़ी को आप छोड़ सकते हैं। पॉइंट में आप आर्चर, आप क्विक रिलीज का जो हैंडल है उनको घुमाए थे लेकिन इधर से इधर ग्रीन नहीं हुआ, रेड रह गया। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, इस ट्रॉली में होगा, अगर सिंगल ट्रॉली है या तो डबल ट्रॉली है, आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए BC1 आइसोलेट है, इधर BC2 आइसोलेट है, ये BC12 आइसोलेटिंग कॉक को आपको बंद करना है इस तरीका से घुमा के दोनों को। आइसोलेट करना है, इस आइसोलेट करने पर ऑटोमेटिक आपको देखना है कि इधर रेड से ग्रीन हो जाना चाहिए। तो मैंने दोनों ट्रॉली को आइसोलेट करने के लिए दिखाया, लेकिन अगर सिंगल ट्रॉली होता तो जिस तरफ का होता है आप उस तरफ करेंगे, अगर डबल ट्रॉली होता है तो डबल ट्रॉली रिलीज करेंगे और इंडिकेटर को देखेंगे कि रेड से ग्रीन हो रहा कि नहीं। अगर हो गया होगा तो फिर जाके आपको उसी डिश में जाना पड़ेगा। उस डिस में जाकर मैंने आगे जो एक नंबर पॉइंट में दिखाया है उस तरीके से आपको कैलिपर हिला के देखना पड़ेगा और रिलीज नहीं होगा तो आपको कैलिपर नट को लूज करना पड़ेगा और गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको आना पड़ेगा, उधर से आपको आना पड़ेगा, ये आपका ये दो फ्लेक्सिबल पाइप देख रहे हैं अब, एक ट्रॉली में इधर का एक है, दो है और दूसरा ट्रॉली में दो है, मतलब एक ट्रॉली में ये जो दो फ्लेक्सिबल पाइप है, एक आपका इस एक्सेल में आपके ब्रेक के लिए होते हैं, ये दो डिस्क के लिए, और एक दूसरा जो एक्सेल है उसका डिस्क के लिए होता है। तो आपको ये दोनों का जो नॉब है, इसके जो नट है, इस नट को चाहे इधर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फिर से आपको देखना पड़ेगा कि इंडिकेटर रेड से ग्रीन हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो फिर से आप इसको लगा दीजिए, गाड़ी को टेस्ट करिए, क्योंकि ये जब आपका होते हैं इसमें एक ओ रिंग होता है, ओ रिंग ट्विस्ट हो जाने पर जो आपका सिलेंडर प्रेशर बैक में नहीं जाते, इसलिए रिलीज नहीं हो पाया था। तो उसी लिए आपको सोचना है कि गाड़ी आप रनिंग कंडीशन में देंगे या तो आइसोलेट कंडीशन में देंगे। हर चीज़ में आपको एक बार ख्याल रखना होगा कि मेरा जो ब्रेक पैड है और डिस्क का साथ में जो गैप है
ये 1 से 1.5 mm का गैप होता है, ये गैप आपका है या नहीं है, और नहीं होगा तो आपको ये ब्रेक कैलिपर जो नट है इसके नट को आपको लूज करना पड़ेगा। ये देखिए फेबली और नॉर्बीम्स के जो नट होता है इस तरीके होता है, लेकिन आपका स्कॉट कंपनी का जो होता है इनके ठीक पीछे में आपका एक आपको लैच मिलेगा, उसको खींचने के बाद में आपको उस जगह में आपको 46 mm के आपको एक आपको स्पैनर से उसको लूज और टाइट कर सकते हैं, या तो हाथ से भी हो सकते हैं। अगर पुराना SLRD है, मतलब WLRRM होंगे कन्वेंशनल में, तो इस तरीके के नट इधर नहीं रहते हैं। इनके ठीक पीछे पार्ट में, कैलिपर का पीछे पार्ट में 46 mm के आपको नट होता है, उसमें से रिलीज करना पड़ेंगे टाइट एंड रिलीज करने ओपन एंड क्लोज करके। ब्रेक बैंडिंग छुड़ा दिया है, आप अगर आपका मन में सेटिस्फेक्शन आया है तो आप फिर से गाड़ी को एज इट इज रनिंग कंडीशन में भेज सकते हैं। जो आइसोलेट किए थे आप सभी को ओपन कर दीजिए और टेस्ट कर लीजिए 15 सेकंड में गाड़ी 3 से 5 सेकंड एप्लीकेशन हो रहा कि नहीं, और 15 सेकंड के अंदर में 15 से 20 के अंदर में आपका रिलीज हो रहा कि नहीं। तो मान के चलिए आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब गाड़ी को ब्रेक रनिंग कंडीशन में नहीं छोड़ सकता है, तो आपको क्या क्या करना है मैं अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए आपको सिंगल ट्रॉली अगर आपको आइसोलेट करना है तो आप जिस ट्रॉली को करेंगे उसको आइसोलेट रखिए, और जिस ट्रॉली को आपको रनिंग कंडीशन में रखना है उसको ऑन कर दीजिए। अभी दोनों ट्रॉली में आपका ब्रेक बैंडिंग हुआ था, तो उस दौरान आप दोनों ट्रॉली में जब हुआ है आप दोनों ट्रॉली का ब्रेक बैंडिंग छुटाया है, लेकिन आपका भरोसा नहीं है आप पर कि ये गाड़ी फिर से प्रॉब्लम हो सकता है, टोटल आइसोलेट कर देना है मुझे गाड़ी। और तो मुझे क्या करना है, ये दोनों आइसोलेट कर देना है, दोनों BC1 BC2 का आइसोलेट करना है, AP को आइसोलेट कर देना है, AP आइसोलेट करना है। टॉयलेट आप आइसोलेट करिए नहीं करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा कि ये जो DV का जो आर्चरजन हैंडल है इसको आपको उठा देना पड़ेगा। ये एयर चार्जर हैंडल जो है इसको नहीं उठाएंगे तो मेरा इसमें कोई BP आइसोलेटिंग कॉक इसमें नहीं होता है LHB कोच में, उसीलिए आपका जो ऑक्जुलरी रिजर्वर है ये आपका BP प्रेशर इसके अंदर में आते रहेंगे और ऑक्जुलरी रिजर्वर से आपको जाना आना शुरू करेंगे, इसीलिए BP प्रेशर को आपको लॉक करना है। तो BP प्रेशर को आइसोलेट करना है, DV को फंक्शन आउट करना है, तो ये आर्चरजर हैंडल को आपको उठाना पड़ेगा। ये ऑपरेशन करने के बाद में आपका पास अगर टाइम है तो ये दोनों जो ऑक्जुलरी रिजर्वर 75 एक टॉयलेट के लिए है, एक 125 आपका ब्रेक के लिए होता है, इसके जो ड्रेन कॉक है ड्रेन कॉक से इसके प्रेशर को निकाल दीजिए अगर टाइम है तो। गाड़ी रिजिड कंडीशन होने पर आप गाड़ी को छोड़ सकते हैं विदाउट एनी KMPH, गाड़ी आपका रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग एक LHB कोच में रनिंग गाड़ी में ब्रेक बैंडिंग होने पर इस तरीके से आप लोग उसके ऑपरेशन करेंगे। ये वीडियो मैंने एक आगे भी छोड़ चुका हूँ, फिर से एक आप लोगों को सुविधा के लिए क्लियर एक और वीडियो मैं छोड़े हैं, शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि इस तरीके से ब्रेक बैंडिंग होने पर किस तरीके से आपको रिलीज करना है और ब्रेक बैंडिंग क्यों होता है। तो चलिए मैं टॉपिक्स इधर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तब तक सुनते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।